अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 30,000 के प्राइसिंग में तुम्हें एक ऐसा कैमरा सिस्टम मिल सकता है जो आईफोन 13 जैसा आउटपुट देगा, या फिर एक ऐसा फोन जिसमें तुम कोई भी गेम हाईएस्ट सेटिंग्स पर स्मूथली चला सकते हो, कोई लैग नहीं होगा। वेल 30,000 का रेंज है ही ऐसा, अगर तुम सही से ढूंढ लो तो तुम्हें कमाल के स्मार्टफोन्स मिल सकता है। बट ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में टॉप 5 स्मार्टफोन्स बताने वाला हूं जो 30,000 के रेंज में मिल जाएगा बड़े ही आसानी से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्काई यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते इस वीडियो को, लाइक कर देना। सो नंबर 5 पर एक ऐसा खूबसूरत सा फोन जिस पर 50 मेगापिक्सल का शानदार फ्रंट कैमरा मिलेगा, मैं बात कर रहा हूँ वीवो की तरफ से आने वाला वीवो V29 के बारे में। इसमें तुम्हें मिलेगा 6.78 इंच का एक बहुत ही प्रीमियम एमोलेड डिस्प्ले जो 128 रिफ्रेश रेट एंड HDR10 सपोर्ट करता है। ये डिस्प्ले कर्व्ड है, सो तुम्हें बहुत ही प्रीमियम एक फील होगा पकड़ने में। बैक में है 50+8+2 मेगापिक्सल के एक ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें 50 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा सेंसर ना काफी दमदार है। बट जैसे ही तुम 8 मेगापिक्सल वाला सेंसर यूज करोगे तो फिर तुम्हें डिटेल्स बहुत ही कम मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली बात है। बाकी 2 मेगापिक्सल का कैमरा कोई काम का, लेकिन इसका 50 मेगापिक्सल वाला जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत ही सही है। अगर तुम रेगुलर सेल्फीज लेते हो या फिर ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो दिस इज द फोन। वैसे इसका प्रोसेसर भी काफी बढ़िया है, गेमर्स के लिए नहीं है, बट गेमर्स लोग निराश मत होना, इस लिस्ट में तुम लोगों के लिए अलग एक फोन है। बाकी वीवो के इस फोन में तुम्हें मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 778G, जो स्टेबल है एंड डे टू डे यूसेज में बढ़िया रहे। वैसे बैटरी भी मुझे एवरेज सा ही लगा, तुम्हें मिलेगा 4600 mAh का बैटरी, बट इसमें 80W का फास्ट चार्जिंग है, तो इट्स अ गुड कॉम्बो। वीवो फैंस कंसीडर कर सकते हो, मैं भी वीवो फैन ही हूं। नेक्स्ट फोन है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 3 5G। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोसेसर काफी बढ़िया, तुम्हें MediaTek 9000 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल है एंड ऑब्वियसली बढ़िया परफॉर्मेंस भी निकाल के देगा, और डिस्प्ले का क्वालिटी भी बहुत ही तगड़ा। तुम्हें मिलेगा एक सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड HDR10+ सपोर्ट करता है, जो करना चाहिए ऑब्वियसली। बाकी इस फोन का रैम भी फास्ट है, तुम्हें मिलेगा LPDDR5X रैम, सो ओवरऑल फोन काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। और अगर बात करें कैमरा की, तो तुम्हें 50+8+2 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, वही सामने 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और कैमरा ओवरऑल मुझे बढ़िया लगा एक्सेप्ट वो 8 and 2 megapixels के सेंसर। बाकी बैटरी बहुत ही सही है, 5000 mAh का बैटरी डाल दिया, जो कि 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो पूरा दिन आराम से चल जाए। और इसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है इसका ऑक्सीजन OS, सॉफ्टवेयर वाइज तुम्हें बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है फॉर श्योर, सो इसको भी तुम बेशक कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं खतरनाक गेमिंग फोन के बारे में, मतलब अगर तुम 30,000 के आसपास का बजट लेके बैठे हो एंड तुम्हें बहुत ही बढ़िया एक गेमिंग फोन भी चाहिए, तो भाई ये है वो फोन, ये है iQOO Neo 7 Pro। इसका मैंने रील्स भी बनाया था, उसके बाद डेडिकेटेड वीडियो पे चेक कर सकते हो। तुम्हें इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, साथ में LPDDR5 रैम, और डेडिकेटेड गेमिंग के लिए अलग सा चिप भी है इसमें, जिससे कि बहुत ही स्मूथ फीलिंग आएगा तुम्हें गेमिंग करते टाइम, साउंडिंग लाइक प्रॉपर गेमिंग डिवाइस। बाकी इसमें है कमाल का एमोलेड डिस्प्ले जिस पर 120 हर्ट्ज एंड HDR10+ सपोर्ट करता है। वैसे गेमिंग फोन है, इसका मतलब ये नहीं कि कैमरा अच्छा नहीं है इसका, 30,000 दे रहे हो भाई, मतलब थोड़ा ज्यादा है। तुम्हें इधर मिलेगा वही 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल फ्रंट कैमरा। वैसे ना मुझे इसका बैटरी कैपेसिटी बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हें इधर मिलेगा 5000 mAh का बैटरी, जो कि 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और चार्जिंग स्पीड का अगर अंदाजा लगाना हो तो फिर सिर्फ 8 मिनट में ये 50% चार्ज कर देता है अपने फोन को, काफी फास्ट है ना। रही बात डिजाइन की, तो फिर डिजाइन इसका बहुत ही सही है, जैसे कि तुम देख सकते हो, सो बेशक तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। अब एक बढ़िया ऑलराउंडर फोन के बारे में बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ POCO F5 के बारे में। डरो मत, अभी सब कुछ ठीक है, और इस बार तो सभी चीजें काफी अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है। सभी को ये चिंता रहता है कि मदरबोर्ड वो डेड ना हो जाए, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। वैसे इस डिवाइस में तुम्हें मिलता है स्नैपड्रैगन 7 जेन 2, काफी सक्षम एक प्रोसेसर है, और तुम इससे बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कैमरा डिपार्टमेंट भी शानदार है। बैक में है 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा काफी सही डिटेल्स प्रोवाइड करता है। फ्रंट में है नॉर्मल 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिससे तुम डिसेंट सेल्फीज खींच पाओगे, ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लाइक वीवो जैसा तो नहीं होने वाला 50 मेगापिक्सल से उसमें। और रही बात बैटरी की, तो फिर यहाँ पे तुम्हें 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और ये सभी चीजें ना इस पर्टिकुलर फोन को एक रेकमेंडेड फोन बनाता है। मुझे अच्छा लगा कि पोको इस तरह के फोन्स भी बना रहा है आज के डेट, जो ओवरऑल काफी सही है, सो पोको लवर्स डेफिनेटली गो फॉर इट। अभी फाइनली नंबर 1 पे एक ऐसे फोन के बारे में बात करूंगा जो कि फोटोज के मामले में एकदम कॉम्पिटिशन से ऊपर है। हम बात कर रहे हैं Google Pixel 7a के बारे में। इस फोन में तुम्हें मिलेगा Google Tensor G2 चिप और Titan M2, और ये दोनों प्रोसेसर काफी अलग एंड बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। और इस
फोन में तुम्हें मिलेगा LPDDR5 RAM एंड एक बहुत ही बढ़िया OLED डिस्प्ले। इसमें प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है, जो बहुत ही पुराना है, मतलब जरूरत नहीं था। और उसी के साथ 4385 mAh का बैटरी, जो बहुत ही स्लो 18W चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन इस फोन में ना वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी दिया गया, जो कि एक फ्लैगशिप फीचर। इस फोन का सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड फोन्स में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बट सारा खेल है कैमरास का। तुम्हें पीछे 64+13 MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम किसी भी क्वाड कैमरा सेटअप को आराम से बीट कर सकता है। फ्रंट में है 13 MP का सेल्फी शूटर। अगर तुम्हारा मेन प्रायोरिटी कैमरा, तो ये फोन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। बाकी प्राइसिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ऑब्वियसली होगा, वो तुम देख लेना। और मैं रेकमेंड करूंगा कि डिस्काउंट के टाइम पे ही खरीद। जितने भी स्मार्टफोन का नाम मैंने मेंशन किया है, एलेबोरेट किया है, सभी का लिंक्स तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके तुम परचेस कर सकते हो। हां, जरूर शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स को भी, जिनका बजट है 30,000 का और उन्हें एक परचेस करना है स्मार्टफोन। आई मीन थोड़ा सा मिक्स्ड वीडियो है ना, कैमरा भी कवर किया, गेमिंग भी कवर किया, ज्यादा बैटरी का भी कवर किया, तो फिर उन्हें ना एकदम स्पेसिफाई हो जाएगा कि गेमिंग के लिए ये वाला डिवाइस सही है इस प्राइसिंग में, या फिर कैमरा के लिए तो है। और इससे उनका भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन कौन से बजट्स मुझे कवर करने चाहिए और कौन सा नीशे मुझे कवर करना चाहिए, मैं ट्राई करूंगा उनको कवर करने। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, सो गुड बाय।